आयोटा क्लासेस। तो देखो स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। 3 का 2 बहुत ही इजी है, कुछ खास टफ है नहीं। 3 का 1 भी बहुत इजी है, उसको आप लोग अपने से करना। 3 का 2 है जो मैं कर दे रहा हूँ। तो देखो LHS जो है हमारा वो ले रहे हैं, तो मैं LHS को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लिख करके सॉल्व करना। तो चलो मैं जो है इसको लिख रहा हूँ, LHS क्या हो गया हमारा 1/, देखो 1 + tan² θ किसका फॉर्मूला होता है, तो याद करो ये होता है हमारा sec² θ। तो sec² θ क्या होता है हमारा 1 + tan, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि sec² θ ओके प्लस 1/1 + cot² θ किसका होता है फॉर्मूला, तो ये cosec का होता है फॉर्मूला, पूरा याद कर लीजिए नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो ये हो गया हमारा cosec² θ ठीक है। चलो तो 1/sec² θ क्या होता है, cos² θ होता है ना। तो चलो तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा cos² θ है ना। तो ये हो गया हमारा cos² θ प्लस 1/cosec² θ sin² θ होता है, तो यहाँ स्क्वायर में है तो sin² θ है ना। तो sin² θ प्लस cos² θ जो क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह पर मैं 1 लिख दे रहा हूँ आगे हमारा। तो हैंस LHS = RHS बहुत ही